सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। सो भाई, आज 6 तारीख है और आज ही मैं मुंबई पहुंचा हूं और इस समय मैं हूं खेतवाड़ी में। भाई यहां पर तो है ना काफ़ी पंडाल लगते हैं, गलियां हैं और कम से कम 8-10 पंडाल यहां पर देखने को मिलते हैं गणपति जी के। वैसे तो 7 तारीख को है गणेश चतुर्थी, तो कोशिश करते हैं किस किस के दर्शन हो पाते हैं। कुछ कुछ के प्रथम दर्शन होते हैं, वैसे आना चाहिए था पहले मुझे, बट पहले नहीं आ पाया। जब आगमन होता है तो और बढ़िया रौनक होती है, बट फिर भी कुछ छोटे गणपति के आगमन देखेंगे, हमें दिखाई देते हैं तो वो दिखाएंगे आपको। और कुछ पंडाल्स की डेकोरेशन दिखाते हैं, जहाँ जहाँ दर्शन हो पाएंगे वो भी करेंगे, लालबाग वगैरह भी जाएंगे। तो वीडियो को देख लेना पूरा। आगे आने वाले दिनों में तो मुंबई टूर करना है, बहुत है, बने रहना चैनल पर। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ दिखाएंगे। सो चलो, बाकी यहाँ पर जो है ये खेतवाड़ी है भाई, और कहीं पर भी रुके होगे तो भाई यार टैक्सी वैक्सी करके आ जाना, पहुँच जाओगे। मैं तो लालबाग की साइड से आ गया था टैक्सी करके 60 रुपये में। भाई गली गली में है यहाँ पर गणपति बाबा, बता दूँ तो ये देख रहे हो पंडाल बने हुए। ये देखो भाई 11वीं गली में आया हूँ खेतवाड़ी में, कितनी बड़ी मूर्ति है ये। खेतवाड़ी में यहाँ पे ना गलियाँ हैं, कम से कम 10 यहाँ पे पंडाल देखने को मिलने वाले हैं। ये 11 नंबर में किसी ने मुझे बताया था, यहाँ पर यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये, आप भी करो दर्शन। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, भाई साहब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और गणपति बप्पा मोरिया। सो ये देखो इधर एक और गली में आया हूँ मैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सही है यार खेतवाड़ी साइड में तो, बट आप ये देखो भाई रूप देखो इनका, यहाँ पे ऊपर देखो, जूम करता हूँ ये। एक इस साइड है भाई, इन गलियों का मुझे पता तो नहीं लग पा रहा, 10 नंबर ही कहीं हूँ शायद मैं गली, सो पता नहीं। हाँ 10 नंबर यहाँ पर ऐसे इंतजाम किया जा रहा है यहाँ वाले पे, तो ये शायद और बड़ा लग रहा है, पता नहीं दिखाई देंगे नहीं दर्शन होते नहीं होते। सो भाई ये गली नंबर 10 में आया था ना मैं अंदर, वहाँ पे 2 हैं, एक उनमें से दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर है। खेतावाड़ी महागणपति 6 नंबर गली लिखा है भाई। भाई यहाँ पर जो है ना 34 फीट ऊंचे गणपति हैं, अभी तो अंधेरा है अंदर, शायद आज रिवील होता है नहीं होता पता नहीं। काफी बढ़िया सजा रखा है देखो अंदर। इस तरीके से देख रहे हो, दूर हैं थोड़े मेरे से। तो खेतवाड़ी चा राजा, ये वाले देखो भाई सब विशाल। अभी यहाँ पे जो है ना लाइट नहीं जल रही, सो भाई यहाँ पर है खेतवाड़ी चा लांबोदरा चैंपियंस 2024। अंदर चल के दिखाता हूँ आपको, 4th लेन है खेतवाड़ी की। भाई अगर आप मुंबई से हो ना और देख रहे हो इस वीडियो को अगर, तो मुझे एक बात बताना, मतलब मेरे को तो लगता है खेतवाड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर भाई पूरे के पूरे पंडाल सबसे ज़्यादा यहीं है, बाकी पता नहीं कहीं और होंगे, मुझे तो पता लगा था तो मैं यहाँ आ गया। मतलब अगर मैं कल आऊँ 7 तारीख को यहाँ पे आता तो भाई साहब पूछो नहीं, बट फिर भी काफ़ी दर्शन में कर पा रहा हूँ। हर गली में भाई, हर गली में गणपति है। ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, वर्ल्ड कप विजेता इंडियन टीम, वो वर्ल्ड कप अभी ये नीचे शायद करेंगे तो दिखाऊंगा कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर। वो देखो भाई मूषक राज के ऊपर ट्रॉफी है।
मैं किधर आया हूँ, खेतवाड़ी छठवी गली भाई, पता नहीं कितनी गली है और इतना बढ़िया सजा रखा है ना, ये दिखाऊं आपको। ये देखो डेकोरेशन, ये है मुंबई का सम्राट खेतीवाड़ी गली नंबर 6 खेतवाड़ी। मुंबई का राजा का भी काम चल रहा है भाई यहाँ पर, तो ये देखो अभी यहाँ काम चल रहा है। खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति है लेकिन भाई सब बहुत बढ़िया बढ़िया। खेतवाड़ी से महाराजा है ये देखो, ये भी खूबसूरत है भाई, 2 नंबर गली। एक इधर भी आया हूँ यार, इनका नाम तो नहीं पता क्योंकि कुछ कुछ पे बोर्ड लगे हैं तो मुझे पता लग जाता है, पूछ लेता हूँ। लेकिन ये भी खूबसूरत है, पंडाल सजा हुआ है और काफ़ी सुंदर गणेश जी नागराज पे विराजमान। मतलब दिल्ली से यहाँ आके इस खेतवाड़ी में तो आने का फायदा हो गया। ये देखो कृष्ण जी राम जी सब हैं यहाँ पे, बुद्धम कृष्णम विष्णु। ये वाले देखो भाई साहब, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है भाई, यहाँ पर आना मतलब जो है ना सफल हो गया। सफल हो गया आना। जय गणपति बप्पा मोरे। देखो डेकोरेशन अभी चल भी रही है, यहाँ पे काम हो रहा है अभी। तो यहाँ पर ये देखो मूर्तिकार के श्री दीनानाथ वेलिंग प्रवेश द्वार है, यहाँ पर ना तैयारियाँ हो रही है अभी, आज पूरे मुंबई में तैयारियाँ हो रही है अभी, तो दो सारे पंडाल लगभग बंद पड़े हैं। काफी खूबसूरत काम हो रहा है यहाँ अभी। गणेश गली लालबाग, सो गणेश गली है ये, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से बनाए गए हैं भाई, ये पूरे कवर करके। मैं तो मुंबई पहली बार आया हूँ, सो पीछे एक मंदिर था शायद गणेश गली में, अभी वहाँ पे भी काम चल रहा है, एंट्री आज है नहीं। लाल बाग थोड़ा सा आगे है, देखते हैं। ये देखो किस तरीके से डेकोरेशन है भाई यहाँ पर, ये मुंबई है मेरी जान, भीड़ भड़का है यहाँ भाई। ये देख रहे हो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे बताते हैं ना बहुत बड़ी लाइन लगेगी यहाँ से एंट्री होके जाएगी, तो मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही मुंबई में आया हूँ, पर देख रहे हो कैसे डेकोरेशन है पूरी भाई। दोनों साइड पे दुकानें हैं, पूरा बाजार है प्रॉपर, गणेश नगर लाल बाग मार्केट लिखा है यहाँ पर। और ये देखो जी, ये कल ओपन होगा सुबह 5:30-6 बजे, 7 तारीख को दर्शन शुरू हो जाएंगे यहाँ क्या है भाई अंदर। सो ये लाल बाग के राजा का जो था पंडाल आपको मैंने दिखाया ना अभी, मैं अब जो है ना लाल बाग के राजा से चलते हैं आगे, कल सुबह दर्शन होंगे, मुझे तो लगता है रात को लाइन लग जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर एक कितने खूबसूरत गणपति बप्पा है, तो इस तरीके के तो मुझे देखने को मिल रहे हैं जो थोड़ा बहुत आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये है चिंचपोकली, ये भी काफी फेमस है बहुत, इनका भी आगमन हो चुका है। चिंतामणि चिंचपोकली उत्सव मंडल, एंट्रेंस बनाई गई है सब जगह इस तरीके से, अंदर चल के देखते हैं किस तरफ है।
भाई साहब यहाँ से होते हुए वहाँ जाएंगे। इसके आगे कितना धन है देखते हैं। यहाँ तक ही रह गए देखो ये चिंच पोकली। तो सिर्फ ये मैं आपको एक तरह से कह सकते हो कि बस पंडाल का बाहर का डेकोरेशन टाइप या व्यवस्था दिखा रहा हूँ, ऐसे होते हुए दर्शन होंगे भाई साहब इस पे आते हुए। और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ना मंदिर के पास ही देखो भाई ये मुझे दिखे हैं मूर्तिकार। सो आज भी लोग भी आए हुए काफी सारे यहाँ पर, ये चिंतामणि के पास ही देखो अंदर इतने सारे सुंदर गणेश जी है ना, पूछो नहीं भाई कितने सुंदर सुंदर गणेश जी देख रहे हो। ये देखो इधर एक और एंजल कला केंद्र, वो बड़े बड़े तो वहाँ पर और भी बड़े बड़े मिल जाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे भी हैं यहाँ पर बना रहे हैं ना, जैसे लोग अपने घरों के लिए अब लेके जा रहे हैं भाई। एक यहाँ पर और भी है, ये देखो ट्रक ना आ रहे हैं यहाँ पर, ये लेके जाएंगे अब यहाँ से सीधा वेस्ट काम। ये देखो लो जी गणेश जी हो गए विराजमान, हम चल रही है अपनी गाड़ी पे हो गए सवार भाई। गणपति गणपति हैं यहाँ पर तो, और गणपति जी इतने सारे हैं और गाड़ियाँ आ चुकी हैं क्योंकि आज 6 तारीख है तो 7 को तो अब उन्होंने जाना ही है। देखो इधर भी बड़े गणपति जी दिखाऊँ आपको भाई साहब, ये देखो ये सब लेने आए हुए हैं लोग। ये देखो इधर बारिश से बचाने के लिए, ये सामने इधर भी बहुत सारी जगहों पर हैं गणेश जी, यहाँ पर ना अंदर बहुत पड़े हैं बड़े बड़े सब जगह पर हैं यहाँ पर गणेश जी। ये देखो भाई साहब हर जगह